जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ एकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए कि जो पहली बार वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, जीडी, रेलवे या स्टेट पुलिस या किसी भी वैकेंसी के लिए वो पहली बार 10th क्लास या 12th क्लास पास करके आए, तो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनको डर लग रहा होगा कि कैसे तैयारी होगी, क्या मैं पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, कैसे मुझे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या मैं कोचिंग करूँ या नहीं करूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा उसी के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले ज़्यादातर लोग मुझे पता है, जितने भी मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, वो 10th क्लास पास होंगे और वो ज़्यादातर फोर्स को लाइक करने वाले मेरे दोस्त हैं। तो अगर आप फोर्स की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों, सबसे पहले आपको फिजिकली फिट रहना चाहिए, ठीक। लेकिन सबसे पहले आपको कंडीशन देखनी चाहिए कि आने वाली वैकेंसी में पहले पेपर है या पहले फिजिकल है या किस हिसाब से। तो अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको गाइड खरीदनी है। कौन सी? अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग गाइड, जैसे मैथ की अलग पर्सनल गाइड, जीके की अलग पर्सनल गाइड, इंग्लिश की या अगर है तो उसकी पर्सनल गाइड, और अगर रीजनिंग है तो उसकी पर्सनल गाइड, यानी अलग अलग आपको गाइड खरीदनी चाहिए पहली बार अगर आप तैयारी कर रहे हो जैसे जीके के लिए। और इन कौन कौन सी बुक खरीदनी चाहिए इसके बारे में मैंने मेरा जो दूसरा चैनल है कमांडो अकेडमी, उस पर वीडियो बना रखा, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए कि अगर आप एसएससीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए या रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ में आपको पेपर सेट ज़रूर लेनी चाहिए। जो पुराने पेपर सेट है, ओल्ड पेपर सेट है, तो वो ज़रूर लेनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी एक तैयारी हो जाएगी अच्छे से कि किस प्रकार से आप तैयारी करो, तो एक अच्छे से आपकी तैयारी होगी उससे, ताकि आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपरों में। तो ये सबसे पहले आपको पेपर सेट लेने हैं उनके, और ओल्ड पेपर जितने भी हुए वो सबसे पहले लेने हैं, ताकि ओल्ड पेपरों से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनकी तैयारी करनी चाहिए। ओल्ड पेपर आपको सबसे पहले लेने चाहिए, उससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा आपको, आपको पता चलेगा अच्छे से कि कौन कौन से पेपर आते हैं, किसके कितने क्वेश्चन आते हैं, इसका पेपर कैसा होता है। अगर आप जिस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो उसके सबसे पहले ओल्ड पेपर, उसके बाद उसका जो फिजिकल क्राइटेरिया वो सबसे पहले देख लेना, मेडिकल क्राइटेरिया आपको सबसे पहले देखना, क्योंकि आप मान लो फिजिकल में आपकी हाइट ही नहीं है और आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। इसलिए सबसे पहले उसका जो आप फिजिकल कितना होता है, कितनी हाइट होती है, कितना वेट होता है, कितना चेस्ट होता है, ये सब चीज़ें आपको पहले ही जान लेनी, ठीक है। मेडिकल तो चलो आप नहीं देख सकते, लेकिन फिजिकल तो आप देख सकते हो, तो सबसे पहले ये चीज़ें जान लेनी, उसके बाद में आपको तैयारी शुरू करनी है। उसके बाद में आपके ओल्ड पेपर लेके आने, ताकि ओल्ड पेपरों से क्या होगा, ओल्ड पेपरों से आपको जैसे मैंने बताया कि पता चल जाएगा कि किसकी तैयारी में क्या होता है, फिर उस हिसाब से आपको उसका सिलेबस उठाना और फिर धीरे धीरे आपको उसकी तैयारी शुरू करनी है। दोस्तों, सबसे पहले जब तैयारी करते हैं तो किसी को कुछ नहीं आता, आप नहीं, सभी ने जीरो से तैयारी शुरू की, हम हो चाहे कोई भी और भी आपका जो सीनियर है वो भी जीरो से उठा है, उसको भी पहले रीजनिंग का रे नहीं आता था या जीके का जी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, उसको भी कुछ नहीं पता होता था। आपको अगर कोई डिमोटिवेट करता है कि अरे तेरे को तो यही नहीं आता क्या, तेरे को तो यही नहीं आता क्या, कोचिंग में जाओगे तो वहाँ पर भी लोग बोलेंगे तेरे को तो अभी यही नहीं आता, अरे तेरे को तो यही नहीं आता। तो दोस्तों, इन चीज़ों पे ध्यान देना। सब लोग जब ज़मीन से उठता है, बचपन से जब बच्चा चलना शुरू होता है, बचपन से मतलब पैदा होते ही चलने या दौड़ने नहीं लग जाता, धीरे धीरे सीखता, आप भी सीख जाओगे और पहली बार में कंपटीशन फाइट कर जाओगे, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर 10 दिन से तैयारी शुरू कर दोगे, उसके बाद में आपको सब चीज़ें समझ में आने लग जाएगी कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। तो जैसे मैंने बताया कि आप पेपर सेट जरूर ले लीजिए, और सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक लीजिए। वो कौन सी लेनी है उसका वीडियो मैंने जैसे बताया कि बना रखा है, उसका लिंक इधर भी मैं नीचे दे दूंगा, तो आप जाके देखिए, उससे आपको पता चलेगा, और फिर आप बुक लेके और फिर तैयारी करिए दोस्तों, तो ये आपके लिए सबसे बेटर होगा। जय हिंद, जय भारत।